हेलो बच्चों, आज की बात करने से पहले मैं कुपल आपसे एक पहेली पूछूंगी। जवाब मिल जाए तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और ना मिले तो आखिर में मैं आपको जवाब भी बताऊंगी। एक गुफा में लाखों बंदर, सबका मुंह है काला, पूंछ पकड़कर आग लगा दो झट कर देंगे उजाला। अब आप इसका जवाब सोचिए, तब तक मैं आपको आज के बारे में कुछ खास बात बताती हूँ। आज यानी 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल यह डे उन हजार लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 के खतरनाक भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई थी। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल में मिथाइल नामक जहरीली गैस फैल गई थी, जिसकी वजह से हजारों लोग उसी वक्त मर गए थे। इस दुर्घटना को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिजास्टर के रूप में बताया जाता है, जिसके लिए कई प्रिवेंशन की जरूरत थी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जाए, और इसी उद्देश्य के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों, आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इस उद्देश्य में अपना साथ दे सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसी छोटी छोटी चीजें कर खुद का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है इस बारे में बात करना। इस बारे में अपने पेरेंट्स, दोस्तों और स्कूल टीचर से भी बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वेस्ट आप रिसाइकल कर सकते हैं। साथ ही ऐसी चीजें ना खरीदें जिसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको जल्दी उन्हें फेंकना पड़े। इसके अलावा कहीं पास जाने के लिए आप अपनी साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर पैदल जाएं। आपके पेरेंट्स को भी बताएं कि सिर्फ ज्यादा दूरी के लिए ही कार या बाइक यूज करें। इसके अलावा देखें, अगर आप लोकली बना फूड ही खरीदें, इसका मतलब है कि फूड ताज़ा रहे, ज्यादा दिन या ज्यादा दूरी से मंगवाया ना गया हो। ऑर्गेनिक फूड खरीदने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक फूड में किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स या केमिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं। इससे हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। आप खुद भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, है ना मजेदार। पैक्ड फूड या ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने से बचें। ताज़ा और हेल्दी फूड ही खाएं, जो आपकी मम्मी बड़े प्यार से आपके लिए बनाती हैं। अगर आपके घर के बाहर ओपन में थोड़ी सी जगह हो तो आपके वेस्ट फूड को आप कंपोज भी कर सकते हैं। सब्जी के छिलके या सूखी चीजों से आपकी सॉइल भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा सबसे आसान काम आप कर सकते हैं आपके घर में बेफिजूल में जल रही लाइट्स को बंद करके। इससे आप एनर्जी भी बचा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आप किस प्रकार छोटे कदम ही आगे बढ़ाकर हम सबका साथ दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सारे उपाय आप भी अपनाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। और शुरुआत में मैंने एक पहेली आपसे पूछी थी, एक गुफा में लाखों बंदर, सबका मुंह है काला, पूंछ पकड़कर आग लगा दो झट कर देंगे उजाला। इसका जवाब है माचिस की तिल्ली।